दिल्ली में अब से कुछ ही देर के बाद इंडी गठबंधन यानी कि विपक्षी दलों की चौथी और काफी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मुंबई के बाद गठबंधन की बैठकों का कारवां अब राष्ट्रीय राजधानी पहुंच चुका है। बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस समेत विपक्ष की कुल 27 पार्टियां शामिल हो सकती हैं। गठबंधन नेताओं को उम्मीद है कि सभी पार्टियों के नेता बैठक में आएंगे। दिल्ली के अशोका होटल में बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने जा रही है। इस बैठक के लिए ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव समेत प्रमुख नेता दिल्ली में मौजूद हैं। आज की बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनेगा। विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए इंडी गठबंधन का मंच एक बार फिर सज चुका है। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस फेल रही है, तो ऐसे में बैठक 2024 के मद्देनजर विपक्ष के लिए और ज्यादा अहम मानी जा रही है। बेंगलुरु और मुंबई में मीटिंग हो चुकी है, अब दिल्ली में होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव यूपी की अगुवाई का अपना खाका पेश कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव यूपी में अपनी पार्टी और गठबंधन में शामिल अन्य दलों के लिए सीटों का फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि रास्ता निकलेगा। चलिए, धन्यवाद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। इंडी गठबंधन की बैठक पर कटाक्ष करते हुए सियासी हमला किया गया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 की 80 सीटें जीतने का दावा भी किया है। देखिए, इंडिया गठबंधन माने भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों का ठग बंधन है। जिनके कुंडली में जेल योग लिखा है, अधिकतम जमानत पर हैं, वो राजयोग की तलाश में हैं। और मैं यह मानता हूं कि ये घमंडिया गठबंधन का ना कोई वर्तमान है ना कोई भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के वर्तमान भी हैं और देश के भविष्य भी हैं। गरीब के वर्तमान हैं, गरीब के भविष्य हैं, विकसित भारत की गारंटी हैं और जनता का प्रचंड समर्थन प्राप्त हो रहा है। मैं यूपी के नाते बता सकता हूं कि यूपी में घमंडिया गठबंधन का 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा। सभी 80 सीटें भाजपा गठबंधन जीतेगा। और चलिए, शिवम प्रताप हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए जुड़ गए हैं दिल्ली से। शिवम, दिल्ली में आज एक महत्वपूर्ण बैठक इंडी गठबंधन की होने जा रही है, 3 बजे का वक्त बताया गया है। कौन कौन शामिल होगा और अभी के चुनावों के लिहाज से हम देखें तो इसमें कांग्रेस भी और साथ ही इंडी गठबंधन भी एक तरह से फेल साबित हुआ है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आज की ये बैठक हो जाती है। बैठक को लेकर विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल, इंडिया अलायंस की आज चौथी बैठक होनी है। इससे पहले पटना, बेंगलोर और मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी, लेकिन बीते दिनों जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद आपस में दूरियां आ गई थी। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उससे पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ज्वाइंट कैंपेन और सीट शेयरिंग के लिए आज दिल्ली के अशोका होटल में 3 बजे से तमाम विपक्षी दल, लगभग 27 पार्टियां इस गठबंधन में शामिल हैं, वो आज बैठक करेंगी। इस बैठक की बेहद जरूरत थी क्योंकि समय कम बचा था और सीट शेयरिंग इन पार्टियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। मध्य प्रदेश चुनाव में हमने देखा था कि किस तरीके से जो इंडिया गठबंधन के दल थे वो आपस में ही जूझ गए। ऐसी स्थिति अब ना बने और आने वाले समय में कैसे पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, किन किन राज्यों में सीट शेयरिंग होगी, एक तरफ जहां टीएमसी की ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, एमके स्टालिन समेत जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो सभी शामिल होंगे। एक तरीके से आप ये कहिए, विपक्ष की आज सबसे बड़ी बैठक है। मार्च से अप्रैल के बीच चुनाव होना है, ऐसे में सीट शेयरिंग, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और ज्वाइंट कैंपेनिंग की आज दिल्ली के अशोका होटल में बातचीत होगी। अभी तक बात करें तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद यहां पर राहुल गांधी पहुंचेंगे। जैसा 203 दिन बीते दोनों संसद में हुआ, इतने विपक्षी सांसद सस्पेंड हुए, उसके बाद इन दलों में एकता और बढ़ गई है। आज सीट शेयरिंग का ताना बाना बुना जाएगा। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार
कांग्रेस पार्टी 320 से 340 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और विपक्षी दलों के लिए 230 से 40 सीटें छोड़ेगी। अगर ये होता है तब तो गठबंधन आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर इस पर बात नहीं बनती है तब फिर क्या होगा, ये महत्वपूर्ण बिल्कुल ये बड़ा सवाल है, ये महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। शिवम आप नजर बनाए रखिएगा, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंडिया गठबंधन के पास वक्त कम है, चुनौती ज्यादा, भीड़ बहुत है लेकिन नेतृत्व का अभाव, और इसी अभाव में 24 के चुनाव